भाई जैसे तुम्हें पता कल हम कुछ वो आ गए थे और कल ना मैंने ब्लॉग अपना कंटिन्यू नहीं किया था बिकॉज भाई कल ना बहुत ज़्यादा थक गया था और आज ना मैं अभी से ब्लॉग कंटिन्यू कर रहा हूँ कुछ वो तुम देख ही पा रहे हो मेरी चौंक से। और अभी हम ना भाई आज ना यहाँ पे पता क्या सीन हुआ है, यहाँ पे ना पता नहीं किसी का ना एक्सीडेंट होता है इस जगह पे, स्कूटी पे थे बंदे तो पता नहीं एक की डेथ हो गई है और एक अभी सीरियस ऐसा बोल रहे हैं भाई। तो भाई अभी ना हमको भी थोड़ा सा आराम से ही चलाना पड़ेगा एंड देखो आंटी ने इंडिकेटर किस किस टाइप का दिया, ये देखो ये देख रहे मुझे ये समय मेहनत करके करना क्या चाहती है आंटी भैया। एंड अभी थोड़ी बहुत स्टॉप ही मार रहा है भाई, फिर निकलते हैं आराम से। अरे अरे भाई वाइल्ड थार की ना भाई लुक ही लगा, जो वाइल्ड थार होती है ना उनकी लुक ही है ना डिफरेंट भाई, फुली डिफरेंट लुक है भाई। अभी चलना भाई यहाँ पे टाइम लगना देखिए थोड़ा सा कम करके करें क्या बोलते स्टॉप ही हमारे गाइस करो गाइस। देखा आंटी का रिएक्शन देखा तुमने भाई, और अभी ना भाई मैं ना कटिंग करवाने जा रहा हूँ लाइक तुम समझ हो ना कटिंग, मेरे ना भाई बाल ना थोड़े थोड़े बड़े हो गए मैंने वो भी कटवाने हैं। तो उठाने की बट ना बिली बची नहीं वहाँ से, पता नहीं कैसी ना। और अभी ना भाई मैंने काली बड़ी के ना उस साइड था ना वहाँ पे कटिंग वटिंग करवानी है अपनी, तो वहाँ पे कैसे लूँगा ना भाई मेरे दोस्त का या कठुआ में, तो मैं उसी के पास जा रहा हूँ मैं कटिंग वटिंग करवाने। आने में मैं किसी और से बाल नहीं कटवाता, जो मेरा बंदा अपना खास है ना उसी से कटवाता हूँ और अपनी बाइक की लुक तुम देखो। तो मैंने उतर के बताता मैंने बाइक में क्या क्या चीज़ें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करवाई है, जब से मैं ब्लॉग नहीं करता था तब से मैंने अपनी बाइक में ना बहुत सारी मॉडिफिकेशन करवा के रखी है, तो मैं दिखाऊंगा गाइस। एंड मैं मुझे ना भाई महीना हो गया बिजली मारू, अब आज तक तुम्हारा भाई स्टॉप ही नहीं करता ध्यान दे रहा बिजली को छोड़ के, बिजली तुम्हारा भाई आज कम नहीं मारता स्टॉप नहीं ज़्यादा। स्टॉपिंग मारने में कोई दिक्कत नहीं होती, अरे आज तुम ना इतनी स्टॉपिंग दिखाई मेरे यार इतनी ज़्यादा, अब तो मैं आगे दिखाता हूँ स्टॉपिंग भाई पागल हो जाओगे यार। चेक मारो भाई चेक मारो, बस तुम ना भाई चेक मारो कि कितनी खास का स्टॉपिंग है तुम्हारा भाई ना मारना सीख गया पता है तुम्हें, तो मैंने एक लॉन्ग स्टॉपिंग मार के दिखा दो यहाँ से ना वहाँ तक, तुम्हें ना एक लंबी स्टॉपिंग मार के दिखाऊंगा तो तुम्हें स्टॉपिंग बस क्या चेक के होगा भाई। यहाँ पे पुलिस वाले ना खड़े हो यार, यहाँ पे पुलिस वाले ना खड़े हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है गाइस, बाकी तो तुम्हारा भाई निकल ही जाएगा, यहाँ पे पुलिस वाले ना हो यार आजकल ना भाई डर ज़्यादा ही है भैया साहब भैया, अभी थोड़ा सा पीछे करो यार, यहाँ पे तुम्हें नहीं पता कितना है ये जोन बड़ा ख़राब है, वो देखो ट्रैफिक वाले खड़े हैं सामने और मेरा मन यहाँ पे कर रहा है वीडियो मुझे ट्राई मारने का। भाई आज का ना जो प्लान था वो भी फेल हो गया, मतलब कि भाई मैं अभी ना कुछ इसी भाई मुझे इस इलाके का नाम नहीं पता, तुम यहाँ पे मस्जिद देख ही पा रहे हो बट मुझे इस जगह का नाम नहीं पता, तुम्हें मैं बता रहा हूँ जिस बंदे के पास मैंने बाल कटवाने आना था ना जिस बंदे बार के पास वो आज बंद है यार, आज भाई सैटरडे है बट फिर भी वो बंदा है, मुझे नहीं पता क्यों बंदा भाई बट वो बंद है आज के दिन भी वो बंदा है। आने यार अभी चलते हैं, अभी कल आएंगे बाल कटवाने, कल संडे है और कल भाई हमारे घर पर फंक्शन भी है भाई, एक्चुअली मैं कठुआ में अपने घर में नहीं आया, यहाँ पर मेरे मामू घर है नानी घर है
तो मैं उनके घर पे एंड उनके मतलब मेरे भैया की शादी है, ठीक है, तो परसों तो शादी है, तो कल उनके घर पे दाम है, तो वही चीज़ करने आऊँ मैं। एंड मेरे ना हेयर कट बड़े ज़्यादा ख़राब हो गए, तो मैंने वो चीज़ सेट करवानी थी, और उस चीज़ का टाइम तक नहीं मिला सेट करवाने का। और मैं तुम लोगों को भी बोलूँगा, जो भी बंदा भाई स्टंट परफॉर्म कर रहा है पब्लिक में कर रहा है, कि चाहे तुम अपनी खुद की जगह पर कर रहे हो भाई, एट लीस्ट तुमने हेलमेट पहन लो। तुम्हारा मुझे पता भाई मिडिल क्लास बंदों को राइडिंग ईयर से होते हैं भाई, मेरी तरह ही होते तुम सब, ठीक है। और राइडिंग ईयर भाई हम ले नहीं सकते, बिकॉज बहुत ज़्यादा महंगी आ गई, तुम बता राइडिंग जैकेट वगैरह तो वो लेंगे भाई आगे चल के, बट फिलहाल तुम हेलमेट पहन लो, बहुत है तुम्हारे लिए, लाइक मेन इंजरी हेड में आती है, ठीक है भाई। गाड़ियाँ इतनी तेज आती है ना वहाँ से, तुम देख रहे हो इतनी तेज आते हैं, इतनी तेज आते हैं ना, अब बंदा चेक मारो, पुलिस की गाड़ी गई भाई, भाई पुलिस की गाड़ी आ रही है यहाँ भाई, पुलिस की गाड़ी के सामने मैंने स्टॉप ही मार दी भाई। अब मुझे नहीं पता भाई यहाँ क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला, बट जो भी है जैसा भी है मतलब सही चल रहा है। अभी हम यहाँ पे स्टॉप ही पैरिस में बिजली मारने वाले यहाँ से, तो मैं मैंने बिजली चेक करवा था भाई, क्या ही काफ़ी बज रही है, मुझे नहीं पता भाई क्या मेरे में कैसा फील हो रहा, बट जो बंदा मेरे पीछे बैठा होगा ना, जिस बंदे ने मुझे लाइव देखा होगा, तो वही बंदा भाई मुझे जज कर सकता, वही बंदा मुझे ना फील कर सकता कि इस दिन बंदा मौत के मुंह से ही निकल के वापस आ रहा है, लाइक इतना 90 डिग्री खड़ी हो रही है पीछे से भाई। अभी तो मैं आगे चल के भाई खड़ी हुआ तो मारो यार, अरे भाई 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 क्या बोल रहे हो, इतना मज़ा आ रहा भैया, मजाक नहीं कर रहा भाई, भाई भैया मज़ा आ रहा, बड़ा ही तगड़ा वाला मज़ा आ रहा है स्टॉपी मारने का, इतना मज़ा ना बिजली मारने पे नहीं आता जितना स्टॉपी मारने में मज़ा आता है। और अभी भैया यहाँ पे ना आगे पुलिस वाले ना खड़े हो, बिकॉज यहाँ पे ना आगे पुलिस वाले होते हैं 2-4, बट एनी वे तुम्हारा भाई बात जीत जाएगा, तुम्हारा भाई कभी हाथ आया किसी पुलिस वाले का, आया नहीं आया ना, अभी निकल रहा भाई यहाँ से टाइम को बिना रखिए, नहीं होते पता नहीं क्या दिक्कत है मुझे खुद नहीं पता। और अभी ना मुझे मैं पता क्या सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ भाई अभी एक चक्कर ना नीचे मार्केट का भी लगाते हैं, बिकॉज रिएक्शन अगर लेने हैं तो भाई तगड़े वाले लेने हैं, ऐसे क्या फ़ायदा, मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूँ मेरा कठुआ में ना भाई 1 हफ्ता हो गया मुझे यहाँ पे आए हुए, और ब्लॉगिंग आज ही मैं कर रहा हूँ, मतलब पहला दिन मेरा ब्लॉगिंग का कठुआ में, और मुझे ये भी नहीं पता भाई ये ब्लॉग ना कब आएगा, मतलब मेरे पास इस टाइम ना कोई भाई डिवाइस नहीं है, फ़ोन नहीं है जिसके साथ मैंने एडिट कर सकूँ तुम्हारा एक प्यारा सा ब्लॉग, और भाई बहुत ही जल्द मैं फ़ोन लेने वाला हूँ बहुत अच्छा वाला, इसलिए मैं थोड़ा सा लंबा वेट कर रहा हूँ, अभी शादी का भी चल रहा है घर पे, तो इस कारण थोड़ा सा ना भाई डीली है जो मेरी, तो जैसे शादी क्लियर हो जाएगी देन अपन एक अच्छा सा फ़ोन ले लेंगे तुम्हारे लिए, जिसकी अच्छी कैमरा क्वालिटी हो, लाइक आईफोन ही मैं देख रहा हूँ, कोई आईफोन अगर मुझे ना अच्छा सा मिलता है तो आईफोन की तरफ जाएंगे, ठीक है। एंड अभी मैं बातें करते करते आगे इस जगह पे जिससे बोल रहा कैप्टन सुनील चौधरी चौंका है, और अभी भाई अभी चलते हैं भाई यार, ये ना यहाँ पे खड्डे वड्डे कर दिए, ये खड्डा एक पिछले खड्डा उसके बाद खड्डा खड्डे ही खड्डे कर दिए भाई साहब यहाँ पे, तो इस खड्डे की वजह से ना मज़ा नहीं आता भाई हमें अपनी बाइक दौड़ाने का भाई भाई मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहा तुम्हें, और अभी ना V2 के बाहर एक स्टॉपी मार रहा तुम्हारे लिए, वही प्यारी वाली एकदम स्वीट वाली स्टॉपी तुम्हारे लिए, ठीक है यार, रेडियो का इस करो बाहर बैठो भाई स्टॉप, अरे यार यार भाई यहाँ पर ना स्टॉपिंग बची, बिकॉज यहाँ पर नहीं चल रही छोटे छोटी ना रेत पड़ी और कंकर वंकर पड़े हैं, तो इस कारण, और ये देखो भाई गद्दा ऑटो करवा लो यार गद्दा, थोड़ा तुम्हें ये काम रिस्क किया, अगर जब जब बाइक चलती है ना तो हवा देखते हैं तो पिछला बंदा उड़ सकता पता गद्दे की वजह से, भाई ये शॉपी ना वन इन द बेस्ट शॉपी ये वाली थी, सबसे खतरनाक वाली शॉपी ये थी, लाइक भाई ने ऐसे उड़ गई थी पूरी पीछे से, मतलब ये खतरनाक बहुत ही शानदार भाई, मैं चाहता मेरे पीछे से कैमरा मैन आया था।
ना बनो ना, बट इसका जिसका भी रिकॉर्ड हो गया, बट है नहीं है मेरे। अरे भाई टायर गंजा इसका, पहले क्या करूँ मैं, तो मैंने उसके टायर की कंडीशन दिखाता हूँ मैं। पुलिस वाले धक्का देख गया, पुलिस वाला देख रहे मुझे घूर घूर के क्या कर रहा है ये। बट यार मैं तुम्हें बताऊँ, हमारे गांव की पुलिस से यहाँ की पुलिस, सिटी की पुलिस ने जब बहुत अच्छी है, मतलब डिफरेंस बहुत है इन दोनों में। तुम्हें मैं किसी दिन लाइव बताऊँगा, अगर जब तक तुम ज़्यादा पंगे ना कर रहे हो मैं कुछ नहीं कहते, अगर तुम जान बूझ के इनके साथ पंगे वंगे कर रहे हो ना भाई, फिर तो तुम गए, फिर तुम गए मतलब जान से ही गए, फिर तुम्हें ये नहीं छोड़ेंगे। अभी यहाँ से मुझे रिटर्न वापसी जाना पड़ेगा गाइस, तो अभी चल रहे हैं यहाँ से। फाइनली क्या हमने अपना तेल सब डन कर लिया भाई, अब यहाँ से चलो रिएक्शन मारने। भाई मेरा ना तब कैमरा ऑफ था यार, इतनी गंदी स्टॉपी मारी ना भाई मैंने, इतनी ज़्यादा गंदी स्टॉपी मारी ना, तो मैंने बता नहीं सकता अपने मुँह से भी क्या किया मैंने भाई। क्या बोलते हो भाई, क्या बोलते हो, तगड़ी तगड़ी थी। तुमने इसका टायर की हालत देखी, पूरा टायर गंजा है इसका, पूरा टायर गंजा है, इसलिए कभी कभी बाइक स्लिप कर रही है एंड बबलिंग कर रही है, वो टायर की वजह से। इसका टायर मैंने थोड़ा जल्दी नया डलवाऊंगा, एंड तो मैंने कल बताया ही था जैसे घर से आते वक्त कि मैंने ये चीज़ इसके नए डलवाया है ये वाले, एंड एक मैंने पीछे से लाइट डलवाई है, तो मैं दिखाता हूँ लाइट है कैसी है, तो मैं चेक मरवाता हूँ लाइट कैसी है। ये रूबीकॉन जा रही है, रूबीकॉन तो नहीं है गाइस, देख लो लाइट देख रहे हो, लग रही खतरनाक गाइस। ये लाइट डलवाने के लिए भाई मैंने ना भाई क्या बताऊँ, सीटें बीटा सब खोल दीजिए अपनी, सीटें बीटें छोड़ो सब कुछ है, और अभी ये लाइट लग गई है। और मेरी ना बैटरी में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, और आजकल लोग यही पे ख़त्म करते हैं, तो होप भाई तुम्हें आजकल आ गए तो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना भाई, क्योंकि बड़े ही महीने के बाद ब्लॉग आया, तो लाइक करना बनता है, ठीक है लाइक कर दो। एंड जो मेरे चैनल पर नहीं ऐसा प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल भाई, जल्दी से 3000 करवा दो मेरे, ठीक है ना।